हमी बस भी करे, कब तक अपना दिल जलाएंगी आप? मेरा दिल करो उस मायरा मनोज का मुंह नोच लूं मैं। सनी क्या हो गया मायरा भाभी को? पहले तो ऐसे नहीं बोलती थी वो। ये सब तुम्हारे भाई की शह दी हुई है इसलिए इतना उछल रही हो। आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगी ना आपस, वही बिलाल भाई का दिमाग दुरुस्त करेंगे। और ये फटा हुआ डॉल जो मायरा की सूरत मेरे गले में डाला हुआ, इसका क्या करूं मैं? वो तो आपको बजाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो तय है कि बिलाल भाई मायरा भाभी को नहीं छोड़ सकते। इतनी मिन्नतों के बाद तो आई है वो। इसका मतलब है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी आप कोशिश करें ना, हो सकता है बिलाल भाई आपके काबू में आ जाए। वो मायरा मनहूस मुझे कुछ करने दे तब ना, मुझे वो मौका ही नहीं देती कुछ करने का। भाभी मौका बनाया जाता है, ऐसे अगर आप दूसरों के आसनों पे रही ना तो कुछ नहीं होगा। कह तो तुम ठीक रही हो, चलो कुछ सोचती हूँ मैं। फिलहाल आप सो जाएं, बहुत रात हो गई है। मेरी तो नातू की नींद ही आराम कर दी उस मायरा मैडम ने। आप खामा खा टेंशन ले रही हैं, मायरा भाभी कोई 30 मार खान नहीं है। ये तो शिजा ही है, उसने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई होगी उनको। सारी उल्टी सीधी पट्टियों का इलाज है मेरे पास, अभी जानती नहीं है मुझे क्या चीज है धर्ताशिया। मगर ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ही मामला खराब कर लें। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। चाय पियेंगी? बना दो, पांच सौ में एक गोली भी ले आना, बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। जी मायरा, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तक जाग रही है? मेरा तो अरसा हो गया, नींदें उड़ गई। तुम आधी रात को कहाँ घूम रहे हो? यार ऑफिस के काम में बिजी था, कॉफी बनाने का मूड हुआ तो नीचे आ गया। तो शिजा से कह देते? यार वो सो रही है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और कॉफी बनाना भी कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, तुम जाके लॉन में बैठो, मैं कॉफी बनाती हूँ, खट्टा पीना। रियली? हम्म, ओके। वैसे तुम आजकल इतना मसरूफ के दरो? हाँ, वेरी बिजी विद द न्यू प्लांट, आजकल वहीं फंसा हुआ। नए प्लांट से मुझे याद आया, अंकल भी नई ग्लास फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं। रियली? आई डिडंट नो दैट। आनी बताई थी अंकल बहुत एक्साइटेड हैं कि अगर इस दफा तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ इंशाल्लाह तो वो फैक्ट्री उसके नाम कर देंगे। यार ये तो अल्लाह के काम है, इंसान क्या कर सकता है। हारिस, एक बात बोलो, माइंड तो नहीं करोगे? बोलो। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो बता रही थी कि जिनके यहाँ फर्स्ट टाइम बेबी गर्ल्स होती है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम भी उनके यहाँ बेटियाँ ही होती हैं। अल्लाह ना करे यार, कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम रमला। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, इंशाल्लाह तुम्हारे यहाँ तो बेटा ही होगा। अच्छा सुनो, कल ऑफिस जाते हुए मुझे भी उठा देना, मैं सोच रही हूँ मैं भी साथ चलूँ, कुछ सीख ही लूं तुमसे। शो, व्हाई नॉट? जब काफी टाइम हो गया, थैंक्स फॉर द कॉफी, अब तुम भी रेस्ट करो, ओके? सी यू। हेलो शिजा, तुम कब उठी? कहां से आ रहे हैं आप? मैं ऑफिस का काम कर रहा था, किचन में गया था कॉफी बनाने। वो कॉफी जो आप रमला के साथ बैठकर पी रहे थे लॉन में? कम ऑन शिजा, ये तुम मुझसे किस स्टाइल में बात कर रही हो? आपको मेरा स्टाइल नजर आ गया? अपनी हरकतें नजर नहीं आई जिनकी वजह से मेरा बीपी हाई रहता है?
तुम मुझ पर शक कर रही हो? रात के 2 बजे आप अपनी कजिन के साथ लॉन में हंस हंस के बैठ के बातें करेंगे, मैं शक नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? पक्का मान शिजा, रात के इस वक्त ऐसी बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। और आप मेरा बीपी हाई मत करें, पहले भी आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी, आप कुछ तो ख्याल कर लें। मैं काम कर रहा था, किचन में कॉफी बनाने गया था, उसने कॉफी की ऑफर कर दी, सो व्हाट्स द बिग डील शिजा? कजन है मेरी, इस घर में रहती है, अगर उसके साथ बैठ के एक कप कॉफी पी ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो आपकी स्टेप मॉम की भांजी है, आपकी कजन नहीं। सो व्हाट? ये वही लड़की है जो माजी में कई बार आपसे इजहार मोहब्बत कर चुकी है। मैं माजी में नहीं, हाल में रहने वाला बंदा हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। हारिस, आप मुझे टीस कर रहे हैं और तुम मुझ पर बार बार शक करके मुझे इरिटेट कर रही हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपसे तो बात ही करना बेकार है। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों बार बार मुझे मैसेज कर रहे हो? तुम्हारी कॉल आई थी मेरे फोन पर। मैंने नहीं की थी, मेरे शौहर ने की थी कॉल, वो अचानक ऊपर आ गए थे। Oh my God, फिर क्या हुआ? होना क्या था? किसी लड़की ने फोन आया था, कौन थी वो लड़की? हाँ, वो उज्मा भाभी, मेरे बड़े भाई की मिसेस। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे खानदान को मैं। खैर तुम थे कहाँ? मैं वो किचन में था, मेरा सेलफोन लाउंज में पड़ा हुआ था तो। खैर छोड़ो ये बात। लेकिन अब मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों मुझे बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? सरताशिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। लेकिन आप बताओ, चाहते क्या हो तुम? तुम कहीं बैठ के डिटेल में बात नहीं कर सकते क्या? भाई अभी तो मैं अपने मसलों में फंसी हुई हूँ, जैसे ही निकलूंगी तो मैं खुद ही रابطہ कर लूंगी। ठीक है, इट्स ओके, मैं वेट करूंगा, बट ट्रस्ट मी यार, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। लेकिन जितना बुरा तुम मेरे साथ कर चुके हो ना, उसके बाद मुझे यकीन नहीं तुम्हारी किसी बात पर। जितना बुरा कर चुका हूँ उसका डबल अच्छा करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। फिलहाल तो तुम मेरी जात पे एक एहसान करो कि मुझे बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करो, मैं खुद तुमसे रابطہ कर लूंगी। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। मनोज कहीं का इधर भी मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहा। शिजा और हारिस नजर नहीं आ रहे, हारिस को जाना नहीं फैक्ट्री? उसे तो लगता है शादी के बाद कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है बिजनेस में। अब इतना भी एग्जेजरेट ना करो, वो फैक्ट्री में नया प्लांट लगवा रहा है। क्या आपने तो मुझसे कुछ जिक्र ही नहीं किया। अच्छा जरा हारिस को बुलवाओ, मुझे एक जरूरी बात करनी है उससे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रमला बेटा, इफ यू डोंट माइंड, हारिस को उसके रूम से बुलवा लूंगी नाश्ते के लिए। शो तुम्हारी बहन ने इसके बारे में क्या सोचा? अब तो तालीम भी मुकम्मल हो गई, शादी का क्या प्रोग्राम है? रिश्ते तो आ रहे, कोई ढंग का रिश्ता आएगा तो फौरन शादी भी कर देंगे। मगर आप किस लिए पूछ रहे हैं? भाई ऐसे बात जहन में आई पूछ ली, इसमें क्या प्रॉब्लम है? Come on, शिजा, अब बस भी करो ना, रात भर से मूड खराब कर रखा है तुमने। हाँ तो आपको कौन सी परवाह है मेरे मूड की? परवाह है तो सारी रात से मेहनत कर रहा हूँ ना यार। तो ना करें, मैंने थोड़ी कहा है, जाएं और फिर से कॉफी पी ले रमला के साथ। गॉड शिजा, तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है, जाएं नाश्ता करें, रमला आपका वेट कर रही होगी। मुझे एक बात बताओ, तुम रमला के बारे में इतनी इनसिक्योर क्यों हो? वो बहुत कनिंग है और मुझे उसकी मकारियों से खौफ आता है। नॉट एट ऑल, यू आर टोटली रॉन्ग शिजा, तुम रमला के बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुम्हें अपनी मोहब्बत पे एतबार नहीं है या तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, मुझे बस आप दोनों की फ्रैंकनेस अच्छी नहीं लगती। क्या आप मेरी खातिर उसे इग्नोर नहीं कर सकते? ओके बाबा, वैसे ही करूंगा, सब मूड तो ठीक करूंगा। और मेरा रमला, क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल, मैं तो आपके और हारिस के साथ अब बिजनेस सीखना चाहती हूँ। तो फिर दफ्तर आना शुरू कर दो, तुम तो कभी कभी आती हो। अंकल अगर आप माइंड ना करें तो मैं हारिस का नया वाला प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भला क्यों माइंड करूंगा। आई डोंट नो हारिस अलाउ करेगा भी या नहीं, आई मीन उसे कोई प्रॉब्लम ना हो।
नहीं भाई, हारिस को क्यों प्रॉब्लम होगा? हाय डैड, कैसे हैं आप? हाय, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आजा। लो भाई, हारिस भी आ गया है, अब इससे बात कर लेते हैं। हारिस, भाई रमला तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? डैड, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मेरा ख्याल है रमला को आपको अपने साथ लगाना चाहिए। बेटा तुम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, उसका लर्निंग प्रोसेस स्क्रैच से शुरू हो जाएगा। रहने दे अंकल, अगर हारिस कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा तो आप ही तो नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, मैं आपके साथ ज्वाइन कर लेती हूँ। नई फैक्ट्री, इसकी क्या जरूरत है डैड? क्यों, तुम्हारे बेटे के काम आएगी। और अगर इस मर्तबा भी अल्लाह ने बेटी दे दी तो? मुझे यकीन है कि इस बार वो अपनी रहमत के बजाय अपनी नेमत से नवाजेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर अब ये बताएं कि बेचारी रमला का क्या होगा? हारिस तो प्रोजेक्ट पे साथ लेने में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। आप ही इस बेचारी को अपने ऑफिस में कोई सीट वगैरह पे एडजस्ट कर देना। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों हारिस, रमला तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर ले? Take something. सुनो, हिरा बता रही थी कि कल तुमने सरताशा को बहुत बेइज्जती की है। लगता है हिरा ने आपको पूरी बात नहीं बताई। देखो मायरा, ये ठीक है कि बिलाल तुम्हें मनाकर वापस ले आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सरताशा को उसके लावारिस होने के ताने दो। अगर वो मेरे साथ बदतमीजी करेगी तो मैं भी उसका लिहाज नहीं करूंगी। तुम क्यों भूल जाती हो कि वो उसकी बीवी है? और आप ये क्यों भूल जाती हो कि मैं बिलाल की पहली बीवी, इसलिए मेरा ज्यादा है उन पर। अरे तुम्हारा शर्ट प्रेस हो गई, चलो मुझे नाश्ता बना दो प्लीज, बहुत देर हो रही है ऑफिस से। नाश्ता तो मैं बनाई दूंगी, लेकिन अपने घर वालों को समझा दें कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें तो ये अच्छा। सुन रहे हो, अब इस तरह बात होगी मुझसे इस घर में। अच्छा पाप छोड़े ना, चलें ऊपर चल के नाश्ता करते हैं। आ जाए ना। अरे भाई नाश्ता ऊपर ही ले आना। अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप जगह देंगी? मुझे बिलाल के लिए नाश्ता बनाना। बिलाल के लिए मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। जो नाश्ता आपने बनाया है वो मेरा ख्याल है कि आप खुद खा लें, क्योंकि बिलाल और हिना आप ने मुझे खास तौर पे पराठा बनाने के लिए कहा है। शर्ट प्रेस हुई हुई थी, ये चाय कहाँ से गिर गई? गिर गई होगी भाई किसी से। अब चाय का कप तो हिना पा के हाथ में था, कहीं। मारे ये किस तरह की बातें कर रही हो, प्लीज दूसरी शर्ट निकाल दो, मुझे पहले ही देर हो रही है। कोई भी दूसरी शर्ट प्रेस नहीं हुई। अच्छा आप इंतजार करें, मैं अभी इस्त्री करके लाती हूँ। बिलाल ये है प्रेस हुई हुई शर्ट। वो हिरा बता रही थी कि आपकी शर्ट पे चाय गिर गई, ये बाहर सूख रही थी, मैंने सोचा प्रेस कर दूं। थैंक यू सरताशिया। कोई बात नहीं, दरअसल मायरा का दिमाग सारा दिन इधर उधर लगा रहता है, ऐसा तो होना ही था ना। इसे क्या हुआ? माइंड कर गई शायद, मायरा को पसंद नहीं है कि मैं आपके काम करूं।
अच्छा छोड़े ना, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हिना, ये मायरा और जताशिया ने क्या ड्रामा शुरू कर रखा घर में? ड्रामा नहीं, सोप का है, इंडियन सोप। तो वो हीरा बता रही थी कि बिलाल की शर्ट पर चाय गिर गई और मायरा ने बड़ा शोर मचाया। ऐसे किसी का हाथ लग गया था, चाय गिर गई थी, मायरा ने बतंगड़ बना दिया। अब ऐसा कौन सा लापरवाह इस घर में, कम अज कम बताना तो चाहिए था। भाई हो सकता है कि हीरा से जरताशिया से चाय गिर गई हो और वो डर के मारे चुप हो गई हो। अरे जरताशिया तो डरने वाली नहीं है। अरे छोड़े ना अम्मी, अब उनकी जासूसी कौन करे। अच्छा चल छोड़ इन दोनों को, जरा शिजा का नंबर मिला, रात मैंने ख्वाब में बड़ा परेशान देखा, उसे अल्लाह खैर करे। आपको तो हर वक्त बिलाल, शिजा और हीरा की परेशानी रहती है। कभी मेरे बारे में सोचा है आपने? मजाल इस घर में भूल कर भी किसी ने मेरे बच्चे का नाम लिया। अरे क्या उसके बाप से जबरदस्ती करे कि अपनी औलाद हमें दे दो? मैं भी उसकी माँ हूँ, ये क्यों भूल जाती हैं? अच्छा छोड़ना इन बातों को, मिला फोन। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया तेरे पास? मेरी दोस्त है, उसका फोन है। इसकी कौन सी नई सहेली आ गई इसका मुझे ही पता नहीं। ऐसी कौन सी खास बात है अहमद साहब जो आप मुझे ऑफिस बुला रहे हैं? मिस हिना, मैंने जैन के बारे में बहुत सोचा। मेरा ख्याल है कि हमें आपके हस्बैंड के खिलाफ कस्टडी का केस करना चाहिए। केस?